दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी के ट्रेलर आने के बाद आपने कई लोगों से सुना होगा कि ये एक अच्छी VFX वाली मूवी होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इंडियन सिनेमा की वो कौन सी तीन फिल्में हैं जिसमें सबसे अच्छे विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिली है। नंबर 3, 2016 में रिलीज हुई शिवाय मूवी। इस फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर अजय देवगन थे। आपको बता दूं कि फिल्म में बढ़िया इफेक्ट्स होने के लिए फिल्म ने जी सिनेमा और नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते थे, लेकिन इतने अच्छे VFX होने के बाद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नंबर 2, बाहुबली फिल्म। जब बेस्ट VFX मूवीज की बात हो रही है और लिस्ट में SS राजमौली की बाहुबली का नाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको लगता होगा कि फिल्म का हीरो प्रभास था, लेकिन फिल्म का असली बाहुबली तो VFX था जिसका इस्तेमाल हर एक शॉट के लिए किया जाता था। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आती है SRK की 2011 में रिलीज हुई रावण फिल्म। इंडियन सिनेमा की ज्यादातर सुपर हीरो मूवी के फ्लॉप होने का कारण घटिया VFX होता है। आज से लगभग 10 साल पहले इंडियन सिनेमा में शायद ही कोई ऐसी मूवी थी जिसमें इस लेवल का VFX यूज किए गए थे। अच्छी VFX के बाद भी यह मूवी फ्लॉप हो गई।